टॉपर चैनल योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो कैसे है मेरी बच्चा पार्टी हाउ आर यू हाय ऋतविक बेटा हेलो मधु हेलो केमो हाय साक्षी ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे चलता है इस पूरा का पूरा सेशन मेरी स्क्रीन पे <laughs> अरे भाई बस करो मेरे को अपनी आवाज सुनने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मधुर आवाज आ रही है वैसे मेरी यस yes. भाई कहा चल रहा है ये कहा छुप छुपा के चल रहा है ये ओ माय गॉड अरे भाई सब सब बंद करना पड़ेगा लग रहा है ये म्यूट कहाँ से होता है भाई बताना सिस्टम म्यूट कहाँ से होता है हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया चलो हाँ वॉल्यूम कम कर लिया भाई ये ये ही जी स्क्वायर है तुम्हारी बिना शगुन के आज से कोई सेशन हुआ है बताओ जरा आज तक से कोई सेशन हुआ है बिना शगुन के जो आज हो जाएगा मतलब सेशन के स्टार्टिंग में एक शगुन हो जाता है तो मेरे को तसल्ली हो जाती है चलो शुरू में हो गया अब तो आराम से चलेगा है ना भाई बच्चों तो तो कैसे बच्चा आर्मी? फुल जोश यस तो जैसे कि आपको पता तो है नीट की डेट आ चुकी है इट इज 17 जुलाई बच्चों बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर अंदर एक्साइटमेंट पेट में गोले बच्चों के दिल में तितली सब कुछ उठ रहा है सब कुछ हो रहा है बस चाहिए तो बच्चों को एक प्लान ऑफ एक्शन पढ़ तो लिया है मेरे बच्चों ने देखो जो बच्चे जानते हैं कि मैम छुट्टी पे थी इससे पहले वो सारी तैयारी कर चुके हैं हाईलाइट सीरीज देख के कितने बच्चों ने एनसीआर हाईलाइट देखी है या वो वेट कर रहे थे मैम साक्षात दर्शन देगी तो ही मैं पढ़ूंगा पढ़ने वाले बच्चे सब एन हाईलाइट सीरीज देख के पढ़ना शुरू कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में से लेके बच्चे हर सैटरडे संडे बैठ रहे हैं स्पेशल क्लास में से लेके बच्चे आ रहे हैं तो मतलब कि पढ़ना का जोश तो मेरी आर्मी में पूरा है राइट मेरे बच्चों तो आज सेशन आधा घंटा लेट क्यों हुआ उसके पीछे भी एक रीजन था कि बच्चों को अपने रोजे खोलने थे तो मैंने कहा यार बिल्कुल सुबह से अगर आप लोग ने कुछ नहीं खाया है और साढ़े छे का वेट कर रहे हो तो आप खाना जरूर खाएंगे खाना खा के अब सेशन सुनने में जो मजा आएगा ना ना वो नेक्स्ट लेवल मजा आएगा है मेरे बच्चों तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज प्लान ऑफ एक्शन बायो का कैसे होगा जैसे कि आपको पता है बायो में थ्री सिक्सटी ऑन थ्री सिक्सटी लाने हैं है। एक शाउट आउट चाहिए बहुत बड़ा सा ये जिस पर आर्मी ला के रहेगी चाहे कुछ भी चा हो जाए

क्या कहते हो स्ट्रैटेजी प्लानर चाहिए सबको बहुत ही अमेजिंग प्लानर है हर चैप्टर की तीन बार रिविजन करेंगे कितनी बार रिविजन करेंगे सब चैट बॉक्स में बताएंगे तीन बार रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर की आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है मैं बताती हूँ कैसे पॉसिबल है अभी बताती हूँ चलो अब एक्साइटमेंट इतना तो बता इसको हम बाद में डील करेंगे ठीक है इसको हम बाद में डील करेंगे आज पहले बच्चों से गुफ्तगु चलेगी ठीक बच्चों? बच्चों गुफ है अब देखो तो यहाँ पे क्या है प्लान योर टाइम वाइजली बाय अंडरस्टैंडिंग पैटर्न आप समझ रहे इस बात को बहुत भारी लाइन है ये पैटर्न समझ में तीन घंटे बीस मिनट का पेपर हो चुका है यानी कि लास्ट ईयर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास टाइम कंस्टेंट था वो नहीं कर पाए थे वो इस साल कर लेंगे एज लिमिट हट चुकी है है क्या हो चुका मेरे बच्चों चुक बढ़ चुका है कॉम्पिटिशन क्या हो चुका है बढ़ चुका है कैसे बढ़ा है एज लिमिट हट गई यानी कि अगर पिछले साल सत्रह लाख बच्चे थे तो इस बार बीस मान के चल लो अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं ठीक है थीके? अभी तुम्हें पता लग जाएगा कोड वन से लेके सेवन तक भर रहे होंगे ना तुम लोग अभी देखना पता लग जाएगा अभी एनटीए बता देगा भाई इतने बच्चे कहां से आ गए ठीक है कई बच्चे तो कह रहे हैं मैम आप भी ज्वाइन कर लो आप भी हमारे साथ पेपर में आ जाओ। ये ऐसे बच्चे, ये सिर्फ कि 200 क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं फिर उसके बाद चौथी चीज जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है सामने वो ये है कि तीन घंटा बीस मिनट का पेपर हो चुका है यानी दो मिनट का पेपर हो चुका है यानी कि कोई भी इंच नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने क्या कंपटीशन बढ़ाने के लिए हर तरीके से कंपटीशन बढ़ाने की साजिश की जा रही है और इस साजिश को डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं यानी कि हर बच्चे को कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बायो की कम से कम तीन बार कसम खाएंगे सब चार्ट बॉक्स में सब कसम खाएंगे कि तीन बार पढ़े बिना हम नीट के पेपर में तो नहीं जाएंगे मतलब अब नीट के पेपर में तो जाओगे यार इतना महंगा फॉर्म है फॉर्म भरे होंगे ना

पता है क्यों क्योंकि इन्होंने दिमाग में छाप लिए सवाल मेरे से पहले पढ़ के दे दे जवाब हो चुके हैं बच्चे जो सामने देख रहे हो इतने तेज बच्चे मैं तो पढ़ती रह जाती टाइमर हैं मुझसे मैं पढ़ती रह जाती और कहते कि, चलो ना, आगे चलो इनका ये एटीट्यूड होने लग गया है इतना ज्यादा इम्पॉसिबल सीरियसली इतनी तेज होते जा रहे हैं बायो में पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के क्वेश्चन लगा लगा के अब कैसे हम प्लान करेंगे

मैं तुम्हारे डाउट से लिख के लाती हूँ सारे ठीक है मेरे पास एक डायरी है मेरे को पता है है तुम क्या करने वाले हो अब आते हाँ अब आते हैं पे यही हमारी चल रही है। इसमें हम चौथा कर चुके। वो हम करेंगे। उसके बाद हम न्यूरल वाला, वाला करेंगे उसके बाद हम केमिकल वाला करेंगे ठीक है अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो पूरा प्लानर बढ़िया दे दो तो भाई देखो मैम आपको पता ही ऐसे ही करती है काम मैम के काम ऐसे ही होते हैं खुद ही लिख लिख के बेचारी एफर्ट्स लगा लगा के काम करती रहती है ठीक है अपन के पास इतना सिस्टमैटिक सिस्टम तो 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 नहीं है तो है है बट देसी थोड़ा 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 सा है, respect, थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्पेक्ट मैम को अब आते हैं इस तरीके से अभी तीन चैप्टर चलने वाले हैं कमिंग वीक के अंदर उसके बाद जो हम करेंगे ऐसी चीज करेंगे भाई मोहल्ले मोहल्ले में जाके मैंने पता किया है अन सेंटर पे आए थे सवा सौ बच्चे के करीब आए थे संडे की बात बता रही हूँ वो बच्चे मुझसे मिले और उनका सिर्फ एक एक ही, एक ही डाउट था, एनसीआर करा yes, तो से कराऊंगी क्योंकि मुझे पता है, मेरे बच्चों को ये नहीं आती है मैंने इसका एक बहुत अच्छा स्पेशल क्लास में एक टेस्ट लेने की कोशिश भी की थी प्लांट फिजियो की भाई, में सब गायब हो गए पंद्रह मिनट

नेक्स्ट यूनिट जो प्लांट फिजियो के बाद हमारी चलेगी वो चलेगी इकोलॉजी कौन सी चलेगी बच्चों तो पहले, तो पहले, पहले भी बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ बॉटनी भी खैर बहुत बार बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ तो इकोलॉजी पार्ट सेकेंड फोकस होगा ये दोनों एनसीआरटी निचोड़ में चलेगी एनसीआर निचोड़ में चलेगी ये और ये ठीक है तो अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या है पहले करेंगे, उसके बाद फिजियो करेंगे दो महीने तीन महीने का बता दूंगे तो तुम बोर हो जाओगे हम उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से तुम पढ़ते हो देखो मैं सच बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ यहां तक मैं कह सकती हूँ तुम्हारा जो मनोबल है पूरा ताजा रहने वाला है तो यहां तक तो देखो मैं इसमें बढ़िया से बता के जा रही हूँ मैं उतना ही बता के जा रही हूँ जितना तुम भी पढ़ोगे ठीक है उसके बाद फिर से एक एनर्जेटिक स्ट्रेटेजी वीडियो, वीडियो बनानी पड़ेगी मैम को कि कैसे करें सिलेबस कंप्लीट मात्र पचास दिनों में मात्र पचास दिनों में फिर आगे के चैप्टर करा दूंगी ठीक है तो अब जैसे तुम वैसी तुम्हारी मैम ठीक है ये बात तो सही है ना मेरे बच्चों यस yes. तो अभी अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इतने तक हम साथ में रहेंगे जोश हमारा बिल्कुल बरकरार रहेगा उसके बाद फिर से पचास दिन लेकर ठीक है उसके बाद फिर हम जेनेटिक्स कर 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 लेंगे लेंगे रिप्रो स्ट्रक्चर लेंगे एंड बायोटेक कर लेंगे ठीक है तो यहां तक का तो प्रॉमिस कर दिया प्लांट पीजियो का इस महीने में प्लांट पीजियो से इकोलॉजी पे हम चले जाएंगे यूट्यूब पे यूट्यूब की क्लासेस चार से पांच दिन होगी हफ्ते में मैं डेली का प्रॉमिस भी नहीं कर रही क्यों रीजन बींग इतना नहीं हो पाता एक ना एक छुट्टी सबकी हो जाती है आपके भी छुट्टी हो जाती है मेरी भी एक ना एक ना छुट्टी हो जाती है तो चार से लेकर दिन के बीच में जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो मैं बता रही हूँ कि इतना क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे कुछ झूठ नहीं बोल रही सब सच बता के तुम तो मैं आज जाऊंगी ठीक है इतना क्लासेस करेंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ है तैयार हो या नहीं हो पहले जल्दी बताओ

अब आप कहोगे मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें मैं बोर हो जाता हूँ एक ही सवाल बार बार लगा लगा के मैम मैं बहुत बोर फील करता हूँ ठीक है तो मैम कहती है कि आ जाओ मेरे साथ तो मैम कहती है आ जाओ मेरे साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करो अकेले बोर नहीं होंगे मैम के साथ प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अब देखो हर संडे टू संडे कॉन्सेप्ट क्लासेस चलेगी आई रिपीट माई इन इंग्लिश I repeat myself in English that That every Sunday we will be having concept building classes. That is our neat mantra. The first concept that you need. Oh, sorry, समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं हिंदी में बोलती हूँ देखो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस चलेगी हर संडे चलेगी एक स्पेशल भी सेशन रहेगा अब ना ये सब चीजें अपने प्लानर में डाल लेना कि संडे चार बजे का मतलब है, चलो जी Square के पास ठीक है चार बजे आज जो हम पहला वाला हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट किया नीट मंत्रा में वो हमारा जेनेटिक्स न्यूमेरिकल और फॉर्मूला शीट मैं तुम्हें सेशन में आते दूंगी शीट फिर दूंगी तुमको सवाल और फिर तुम दोगे मुझे जवाब जब तुम जवाब मुझे सही नहीं दोगे तो तुम्हें लगेगी पिटाई ठीक है आया कि नहीं आया समझ में सबको बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में कम ऑन बच्चों तो एवरी संडे जैसे कि प्लांट फिजियो हो गई हम प्लांट फिजियो कंप्लीट करेंगे

मेरा पता नहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है फिर जी स्क्वायर कहती है कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है तू तो रिवाइज कर तू तो अकेले नहीं कर पाता है तो मैम के साथ कर ठीक है यानी कि हर वेंसडे हर वेंसडे एंड थर्सडे हम मिलेंगे स्पेशल क्लास पे जहां पे चलेंगे क्विज मैराथन क्या चलेंगे बेटा क्विज मैराथन यानी कि हमें पूरे दो महीने के एंड तक दस हजार क्वेश्चन लगाने हैं कितने क्वेश्चन लगाने बच्चा हमको हमको दो महीने के एंड तक लगाना है जिसके अंदर जैसे कि इस बार आपने देखा होगा मैराथन चला था नीट पीवाई क्यू ठीक है ऐसे ही के सैट के पेपर हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं ऐसे हम एम्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वेन्सडे और थर्सडे अब आप कहेंगे फिर मैम अगले थर्सडे क्या करोगे अगले थर्सडे पूरा जोअलॉजी का टेस्ट है ये आने वाले वेंसडे और थर्सडे की बात है इसके बाद जो नेक्स्ट वेंसडे थर्सडे आएगा उसमें सारे के चैप्टर्स का टेस्ट होने वाला है है ठीक इसके इसके अलावा जो बाद थर्सडे आएगा उसमें फुल बॉटनी का टेस्ट होने वाला है आप बताओ आप बताओ कुछ नया लग रहा है स्ट्रेटेजी में यस ये कुछ नया लग रहा है आप बताओ मुझे हर बार आते हैं हम तुम्हें स्केड्यूल देके जाते हैं ठीक है फिर तुम हमारे साथ रहते हो तुम प्रैक्टिस भी करते हो रिजल्ट भी आता है 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 नो नो डाउट बट इस बार जो प्लानिंग प्लानिंग वो बिल्कुल अलग दिस ईयर द द इज टोटली डिफरेंट यू रीजन द रीजन इज कॉन्सेप्ट भी मैंने बच्चों के जो हम ऑब्जर्व करते हैं जो तुम गलत करते हो तुम्हारी प्रैक्टिस हो पीवाई क्यूज क्योंकि तुम्हें पता है सत्तर परसेंट पेपर वहीं से अड़ेगा पूरा का पूरा ठीक है प्लस बच्चों को रिविजन चाहिए ऐसे टॉपिक्स की जो वो खुद से नहीं कर पाते लाइक प्लांट फिजियोलॉजी वो कराना सबसे जरूरी बन जाता है हम लोगों के लिए ठीक है बच्चों तो यहां पे देख सकते हैं आप इस तरीके से स्टार्ट ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे मॉक टेस्ट अब आप कहेंगे मैम चलो आपने प्रैक्टिस करा लिया बट जो लीडर बोर्ड आता है ना कई बार मैम खराब आता है डब्ल्यू पी समझ वॉट इज डब्ल्यू पी जब क्लास में डब्ल्यू होता है रॉन्ग पोल तब भी मैम जो लीडर होता है उसके फूल आ जाते हैं मैं 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 घबराता हूँ मैम मैम मैं उस टाइम घबराता हूँ यस उस टाइम मुझे लगता है मेरे में कहा कमी रह गई कहा कमी रह गई मेरे अंदर यस मैं तो आरपी चल रहा था मैं तो आरपी दे रहा था राइट पोल ठीक है बट मैम आपके कारण मेरा हो गया डब्ल्यू रॉन्ग पोल ठीक है तो बताओ मैम मैं क्या करूं मेरे को तो नंबर वन आना है मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए मुझे एग्जाम वाली फील चाहिए तो मॉक टेस्ट जो हमें प्रिपेयर करने हैं अपने फुल मार्क्स के लिए जो हर टीचर आपको बोलता है उसके लिए आपको क्या करना है टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज ये भी फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर सैटरडे संडे चलेगी इलेवेंथ हर सैटरडे चलती है ठीक है ट्वेल्थ हमारी हर

तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके से मेरे को टेस्ट सीरीज देनी है पूरी तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं प्री रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वाले जो ऑलरेडी है लाइव तो हम पढ़ा ही रहे, करा ही रहे रहे करा तो आप यहाँ जहां पर ना कोई आर का ड्रामा है ना कोई डब्ल्यू का ड्रामा है जिंदगी में ये दोनों ड्रामे नहीं है ठीक है तो भाई खुश हो या नहीं हो अभी तुम्हारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी मैं सनसनी मच के रहेगी अब ठीक है यस तो बताओ

बेटा उसमें मनोबल बहुत ढीला है प्लांट फिजियो में प्लांट फिजियो तक बस मुझे डिटेल में पढ़ाने दो उसके बाद जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगी ठीक है अगर आप बोलोगे कि मैम वन शॉट ले लो मैं वन शॉट ले लूंगी सारे चैप्टर के ठीक है अगर आप कुछ भी बोलो आई डू इट ठीक है बट प्लांट फिजियो तक सब बच्चे डिटेल लेक्चर्स देखेंगे ये मुझे प्रॉमिस चाहिए ठीक है प्लांट फिजियो जब तक तो खत्म होगी उसके बाद एक और वीडियो बना के लेकर तुम्हारे लिए तुम्हारा भी <laughs> है बच्चों, ये है। दिस काम करो किसी भी दबाव में रह के काम मुझे भी नहीं करना ना आपको पढ़ाई करनी आपको भी पता है आज दो हजार बच्चे हैं ढाई हजार बच्चे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक पंद्रह सो होंगे उसके बाद पांच सौ ये रियलिटी है तो लेट्स

This is my tribute to those students, जो स्पेशली मेरा वेट करेगी जीज कराएगी तो पढ़ाएगी तो ये उनके लिए ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से ठीक है बच्चों तो मॉक टेस्ट का ध्यान रखा है पूरे पी वाई क्यू का ध्यान रखा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ध्यान रखा है टीचिंग कौन यूट्यूब पे ध्यान रखा है डिस्क्रिप्शन कैसे -कैसे बॉक्स में मिलेगा सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू नथिंग इज पेड कुछ भी पेड नहीं है अभी तक आराम से पढ़ो हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ जो क्लास में लगाती हूँ आपको भी पता है कि लास्ट जितने बच्चे होंगे ना जो मुझे देख रहे हैं लास्ट ईयर के एक लास्ट ईयर मैंने स्पेशल क्लास ली थी एग्जाम से एक दिन पहले रात के दस बजे ली थी मैंने ठीक है आप यकीन नहीं मानोगे सिर्फ उसी सेशन से पांच क्वेश्चन सेम टू सेम ट्वेंटी के पेपर में थे तो सोचो जिन बच्चों ने पूरा तीन महीने छह महीने में आपके साथ प्रैक्टिस किया है उनका बायो का स्कोर कितना तगड़ा रहा होगा ठीक है बच्चों तो मैं यहाँ पे आग देखना चाहती हूँ अपने बच्चों में हैश टैग जी स्क्वायर आर्मी राइट बच्चों इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता दू फर्स्ट जून से अभी खैर अभी वी आर इन अ प्लानिंग स्टेज बट तुम्हारे साथ तो मैं हर तरह की बात कर लेती हूँ तुम्हें पता ही है फर्स्ट जून से मैम का एक्सक्लूसिव बायो का क्रैश कोर्स आ रहा है ठीक है दैट वुड बी अ पेड क्रैश कोर्स बट जिस बच्चे को अल्टीमेट प्रिपरेशन करनी है वो भी ज्वाइन कर सकता है ठीक है इसके अलावा जो कर्तव्य है बेटा एक कर्तव्य भी कोई चीज होती है वो करना जरूरी है कर्तव्य बुलाता है ज्यादा टाइम मैं लेती नहीं हूँ बच्चों का क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है इस टाइम पे आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप टेन परसेंट डिस्काउंट चाहते हैं तो यू कैन यूज अ कोड जी स्क्वायर जी स्क्वायर इज द कोड ये कोड आप यूज कर सकते हैं जी स्क्वायर का

खैर मैं तो नहीं आ रही हूँ <laughs> हाँ बट आप आ सकते हैं अपने फेवरेट टीचर से मिल सकते हैं ठीक है बच्चों कॉम्बैट होता है हर संडे होता है ग्यारह बजे अट्ठाईस चलो बच्चों अब हम चलते हैं एंड आई लव टू सी यू एवरी डे एट सिक्स ओ ये हमारा टाइमिंग रहेगा और मजा रहेगा बाकी YouTube पे है सब कुछ है आपके लिए एंड आई बी वेटिंग फॉर यू पीपल इन माई ऑल द सेशन्स ठीक है इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना करो क्योंकि मुझे पता है वी कैन ब्रिंग द चेंज हम बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं ठीक है फ्रॉम अ नॉर्मल स्टूडेंट इन अ कॉलेज टू अ एजुकेटर हु इज लव बाई सो मेनी स्टूडेंट्स दिस इज अ जर्नी ठीक है ऐसे ही फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ यूट्यूब टू अट इन टॉप मेडिकल कॉलेज दिस इज अ जर्नी बस इस जर्नी में हमें साथ रहना है बेटा वो भगवान जो देख रहा है ना अल्लाह जो देख रहा है वो हम सबके सपने साकार करेगा बस मुझे चाहिए अपने बच्चों का साथ ठीक है अब हम तीन महीने देखो आफ्टर डिलीवरी में बहुत जल्दी खड़े होने की कोशिश की है आप लोगों के लिए आप लोग का बहुत प्यार है और आज मैं पूरी मेहनत करूंगी बस हमें क्या चाहिए साथ ठीक है चलिए बेटा जल्दी मिलते हैं क्लासेस में कल बजे हम मिलते हैं यूट्यूब की क्लास पे तब तक बाय टेक केयर एंड आई लव यू ऑल बच्चों बाय टेक केयर क्लासेस में एनरोल कर लेना मुझे सारे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में चाहिए जो कि संडे को होने वाली है चार बजे ठीक है बाय बच्चो टेक केयर